बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम अलैकुम। ये सेल को मैं टेस्ट करने लगा हूँ जी। ये इस वक्त जो है ना लेस देन 4 एम्पीयर पे चल रहा है जी, ठीक है। लेकिन आप इसको, इस सेल को जो है ना 8 एम्पीयर पे भी चला सकोगे, ठीक है। 8 से 10 भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम। और अगर लिमिट के अंदर चलाएंगे, जैसे कि ये 6 एम्पीयर का सेल है तो ये ठंडा ही रहेगा। 6 के बाद जितने ज़्यादा एम्पेयर देंगे तो फिर वो हीटअप होगा ये, ठीक है। अभी ये बिल्कुल ठंडा सेल है जी। चलें ठीक है, मैंने कहा बता दूं, ठीक है। और जनरेटर के लिए तो देखिए, ये मैंने ये वायर जोड़ दिए हैं। इनके साथ आप इस किस्म के कोई मज़बूत ये जो क्लैंप होते हैं वो लगा के अगर बैटरी से करना चाहें तो बैटरी से कर दें। और अगर आप जनरेटर की ही डीसी पावर सप्लाई लेना चाह रहे हैं जो कि 8-9 एम्पेयर होते हैं, तो फिर ये उसका जो भी सॉकेट हो उसमें आप ये दे सकते हैं। जब जनरेटर ऑन होगा तो ये खुद ब खुद चल जाएगा। और अगर आपने किसी गाड़ी में लगाना है तो फिर उस इसमें एक रेले लगेगी। रेले लग के रेले को एक्टिव करना है आपने चाबी स्विच के ज़रिए, यानी जब इग्निशन ऑन हो तो फिर रेले ऑन हो, ताकि ये सेल हमारा जो है ना फिर काम करे। ठीक है, ये गैस बन रही है और ये देखिए ये बबलिंग की सूरत में ये निकल रही है यहाँ से। ओके जी, उम्मीद है आपको ये सेल पसंद आएगा जी। अल्लाह हाफिज़, फ़िआन अल्लाह।